मात्र 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में आप 1300 करोड़ रुपए की कंपनी का डीलरशिप ले सकते हैं। उस कंपनी का नाम है एशियन पेंट। एशियन पेंट का नाम सुनते ही आपको लग रहा होगा चलते हैं पेंटिंग करने, लेकिन ये काम आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्टोर ओपन करना है जो कि फ्रेंचाइजी, मैंने पहले ही बता दिया, इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपया। और मजे की बात यह है कि इस 5 लाख के लिए भारत सरकार आपको मुद्रा स्कीम के तहत लोन भी दे देती है। सारा डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एशियन पेंट लिमिटेड भारत की एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेड ऑफिस मुंबई में, और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1942 में, आजादी से भी 5 साल पहले। 80 साल पुरानी ये लगभग कंपनी हो चुकी है और इस लंबे अंतराल में इन्होंने जबरदस्त मार्केट में छाप छोड़ा है। अभी के डेट में आपके भी दिमाग में पेंट का नाम सुनते ही पहला नंबर पे जो ब्रांड आता होगा वो आता होगा एशियन पेंट। और एशियन पेंट के साथ सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो फ्रेंचाइजी स्टोर आप लेंगे वहां से आप चाहें तो लोकल कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आप सामान भी बेच सकते हैं, और यही जनरली होता भी है। एशियन पेंट में क्या क्या प्रोडक्ट है एक नजर डालते हैं। यह है कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट asianpaints.com। ये वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है। पहला अगर हम बात करें प्रोडक्ट का तो इसके अंदर ये पेंटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट देते हैं, जैसे इंटीरियर पेंट, एक्सटीरियर पेंट, वाटर प्रूफिंग, वुड पेंट यानी कि लकड़ी का पेंट, मेटल लोहे का, ब्रशेस एंड एंसिलियरीज हो गया, एडहेसिव हो गया चिपकाने वाला। इसके अलावा एशियन पेंट मॉडर्न तरीके से भी काम करती है, जैसे घरों में वॉलपेपर लगाना, एक्सटीरियर में टेक्सचर बदल देना, इंटीरियर का टेक्सचर बदल देना, होम कलर कैसा किसी को करवाना चाहिए उसका गाइड कि आप इस तरीके से करवाइए, यानी कि फुल फ्लेज्ड एक सर्विस प्रोवाइड करा रही है कंपनी। अगर आपके स्टोर पे कोई भी पर्सन इंक्वायरी करने के लिए आता है तो आप ये चीज दिखा सकते हैं, आप बता सकते हैं कि इसी तरीके से आपको काम करना है। और अगर एक भी ग्राहक सेट हो गया तो आप मान के चलिए कि 3 से 4 BHK का अगर रूम है, 4 से 5 लाख रुपए का उसका इन्वेस्टमेंट होगा अगर ढंग से वो पेंटिंग का काम करवाएगा तो। वहीं अगर छोटा रहेगा तो छोटा। सो एक भी ग्राहक आपने पकड़ा तो एक अच्छा खासा आप सामान आप बेच देंगे अपने शॉप से, और जिस मिस्त्री के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आप उससे भी थोड़ा बहुत कमीशनबाजी कर सकते हैं, जो कि सारे लोग करते हैं। ये मार्केट ही इसी तरीके से काम करता है कि हम आपको काम देंगे, आप मेरा प्रोडक्ट भिजवाइए। या सर्विसेज की अगर हम बात करें तो कंपनी इसमें पेंटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है, यानी कि जिस भी जगह पे आप फ्रेंचाइजी लेंगे वहां पर अगर किसी ने ऑनलाइन इंक्वायरी डाली एशियन पेंट की वेबसाइट पर जाकर तो वो प्रोडक्ट कहां से प्रोवाइड करवाएगा, आपके ही स्टोर से प्रोवाइड कराएगा, यानी एक मार्केटिंग का भी अच्छा खासा ऑप्शन इन्होंने दे दिया। बात करते हैं बिजनेस की, अगर एशियन पेंट लेने के लिए सोच रहे हैं आप तो किस टाइप का लोकेशन पर आपको लेना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात, लोकेशन के अलावा मैं एक चीज और बता दूं, अगर आप खुद बिजनेस में बैठ के नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप एशियन पेंट के ब्रांड का फायदा उठा सकते हैं। आप अपने किसी भी स्टाफ को, मैनेजर को रखकर आप ऑन काउंटर आप उस जगह को मैनेज कर सकते हैं सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा के, तो आप एज एन इन्वेस्टर भी इस फ्रेंचाइजी को ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि फ्रेंचाइजी लेके खुद ही बैठ जाए। सो बात करें लोकेशन का, तो लोकेशन आप देखिए हमेशा रेसिडेंशियल एरिया और वैसा एरिया जहां पर नए नए मकान बन रहे हो, क्योंकि सबसे ज्यादा सामान भी वहीं आपको बिकेगा, ये आप नोट कर लीजिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां लोकेशन अभी वैसा है कि अभी नया नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहां पर आपको शॉप भी सस्ते में मिल जाएगा। शॉप कितना आपको लेना पड़ेगा, तो लगभग आपको 300 से 400 स्क्वायर फीट तक में शॉप आपको लेना पड़ेगा, जहां पर कंपनी स्टॉक्स रखेगी यानी कि वेरियस काइंड ऑफ पेंट्स रखेगी। इसके अलावा कुछ ब्रशेस वगैरह होते हैं वो रखेगी, और पेंट मिक्सर करने वाला एक मशीन भी रखेगी जहां से पेंट को वो मिक्स करते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वही 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगा। और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो भारत सरकार का एक स्कीम है, उसका नाम है मुद्रा स्कीम। आप इस स्कीम के तहत अप टू 10 लाख रुपीज तक का लोन ले सकते हैं। मुद्रा में लोन लेने के लिए बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। सबसे पहले हो गया उसपे प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगता है, दूसरा हो गया उद्यम रजिस्ट्रेशन लगेगा, तीसरा हो गया शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस लगेगा, और कई बार आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी लग सकता है। इन सारे डॉक्यूमेंट को प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर से आप संपर्क करें, myprojectreport.com वेबसाइट पर विजिट करें। इतना कुछ देखने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड हो गए हैं कि एशियन पेंट का फ्रेंचाइजी ले ही लें तो कैसे लेंगे, हाउ टू अप्लाई, ये है कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे सबसे नीचे वाले सेक्शन में आपको आ जाना है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो कॉन्टैक्टर्स का एक सेक्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे आना है। नीचे में जब आप आएंगे तो यहाँ पर एक जगह दिख रहा होगा फॉर डीलर रिलेटेड क्वेरीज ईमेल dealership@asianpaints.com, यहाँ पर आपको ईमेल करना है। पहला नंबर तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं ईमेल करके। दूसरा नंबर तरीका ये होगा कि आप जिस भी एरिया में लेना चाहते हैं उस एरिया के सेल्स मैनेजर या रीजनल मैनेजर जो भी रहेगा पर्सन, आप उनसे संपर्क करके भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप एशियन पेंट का डीलरशिप या फ्रेंचाइजी आप प्राप्त कर सकते। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।